जनपद बुलंदशहर में मंगलवार सुबह दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। एक तेज रफ्तार रोडवेज बस अनियंत्रित होकर अचानक खाई में जा गिरी। हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 दर्जन से अधिक यात्री जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। घटना के बाद बस में चीख पुकार मच गई। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलंदशहर में सड़क हादसे में लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने हादसे में घायल लोगों का समुचित उपचार कराने तथा प्रभावित लोगों को हर संभव मदद और राहत प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल घटना कोतवाली सिकंदराबाद इलाके के गांव बिलसूरू की है, जहां गाजियाबाद डिपो की रोडवेज बस NS 91 पर तेज रफ्तार से बुलंदशहर की तरफ से आ रही थी। इसी दौरान अचानक से कार सामने आ गई, जिसकी वजह से बस का नियंत्रण बिगड़ गया और बस पलटते हुए खाई में जा गिरी। स्थानीय पुलिस ने लोगों की मदद से बस के अंदर फंसे सभी घायल यात्रियों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला, तो वहीं बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां सभी घायलों का उपचार चल रहा है। तो वहीं खेत में धान की रोपाई करने आए कई किसानों की बस के नीचे दबने से मौत हुई है, क्योंकि अचानक बस खाई में पलट गई थी, जिसकी वजह से किसान भी बस की चपेट में आ गए हैं। बताया जा रहा है कि बुलंदशहर की ओर से गाजियाबाद की और बस जा रही थी। सूचना के बाद DM SSP मौके पर पहुंचने के बाद जिला अस्पताल में जाकर सभी घायलों का हाल जाना है। वहीं SSP संतोष कुमार सिंह का कहना है कि सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है, बाकी सभी घायलों का उपचार जारी है। बुलंदशहर से खबर तहकीकात के लिए शारिक खान की रिपोर्ट। हेल्दी विंग हॉस्पिटल, हमारे यहाँ पर टूटी हड्डी व जोड़ों का इलाज किया जाता है। कमर, रीढ़ में दर्द व पुराने गठिये रोग का इलाज भी किया जाता है। 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा व महीने के पहले सोमवार को फ्री OPD की भी सुविधा, साथ ही स्त्रियों के सभी प्रकार के रोगों का इलाज भी किया जाता है। हमारा पता है BN कॉम्प्लेक्स, मोतीबाग रोड, बुलंदशहर।